हेलो व्यूअर्स, इमरान मोटिव टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इमरान। आज मैंने आपके लिए वीवो का Y95, जी हां, इसी फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने के लिए लेके आया हूं। यहां पे आप देख सकते हो वीवो B59 20 मेगापिक्सल के AI फ्रंट कैमरा इस डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ देख सकते हो फुल व्यू डिस्प्ले, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4030 मिली एम्पेयर का इस मोबाइल में आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वह सिर्फ 16,000 है, जी हाँ, 15,990। बात करें इसके डिस्प्ले को लेकर तो आपको इस फ़ोन में आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा मैं। इसका जो डिस्प्ले दिया गया है वो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, 6.2 इंच का HD+ रिजोल्यूशन वाला। आपको इस डिवाइस में फुल HD+ रिजोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, HD+ रिजोल्यूशन वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन जो इसका बैटरी है वो आपको 4030 मिली एम्पेयर है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलिकॉन का कवर दिया गया है इस बॉक्स में। साथ ही साथ क्या मिलता है इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एडप्टर मिल जाता है, जो कि आउटपुट है वो है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का। आपको यह एक एडोप्टर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा आपको ईयरफोन देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस में। साथ ही साथ एक USB केबल भी इसमें दे दिया गया है। तो इस फ़ोन को हम थोड़ा से देख लेते हैं। ऊपर की तरफ आपको डिस्प्ले देख सकते हो 6.2 इंच का वाटर ड्रॉप वाला नॉच। पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक सभी का ऑप्शन रहता है। ये आप देख सकते हो फ़ोन को, ये जो कलर मैंने लाया है यहाँ पर आपको नेबुला पर्पल कलर है। रियर कैमरा की बात की जाए तो आपको 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा इसमें दिया गया है। साथ ही साथ फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। इसका जो प्रोसेसर दिया गया है वो इतना भी खास नहीं है, क्योंकि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। 1.9 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर। प्राइस के हिसाब से इतना भी खास नहीं, 660 अगर इसमें दिया जाता तो बहुत ही अच्छा डिवाइस रहता। तो यहाँ पर आप पूरा फ़ोन को देख सकते हो। डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये जो आपका अबाउट फ़ोन पे हम चलते हैं, देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपको दे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओरियो का वर्ज़न, जी हाँ, एंड्रॉयड वर्ज़न जो है 8.1.0 आपका, 1.9 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर, साथ ही 4 GB रैम, इसमें आपको 64 GB इंटरनल मेमोरी रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे की तरफ वीवो का ब्रांडिंग लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है 13+2 मेगापिक्सल, साथ ही साथ LED फ्लैश भी पीछे की तरफ आप देख सकते हो। मैं इसका जो फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल एंड बैक कैमरा का रिव्यू करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा जो है 20 मेगापिक्सल AI टेक्नोलॉजी के साथ ये बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फ्रंट कैमरा मिल जाता है। सेल्फी के लिए ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। साथ ही साथ जो पीछे की तरफ आपको 13+2 मेगापिक्सल का वो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे बोके मोड का ऑप्शन भी इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि ये डिवाइस आपको देखने के बाद कैसा लगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए थम्स अप बटन पे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड बटन है उसी रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।